लखनऊ के जो नवाब लोग थे वो बड़ा शौकीन थे खाने के, तो जब नवाब लोग बूढ़े होने लगे तो उन्होंने कहा अब हमसे तो गोश्त चबेगा नहीं, तो ये कबाब ऐसे हैं कि इसमें जो है मसाले जो पड़ते हैं वो यूनानी टीप हैं, आप खाएंगे तो एकदम मक्खन की तरह पिघल जाएंगे। जब मशहूर खाने की बात आती है तो नाम आता है लखनऊ का, और अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो लखनऊ में आइए टुंडे कबाब। टुंडे कबाब नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन इसका इतिहास क्या है, टुंडे कबाब नाम क्यों पड़ा, और यहाँ का जो गलावटी कबाब है उसका इतिहास क्या है, ये हम नहीं बताएंगे आपको, ये बताएंगे आपको वो जिनके दादाजी ने की थी इसकी खोज। ये हमारे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था 1905 में, तो उनके एक हाथ नहीं था, एक हाथ से वो कबाब बनाते थे। बचपने में उनका जो है एक हाथ पतंग उड़ाने की वजह से टूट गया था, तो उसी वजह से उनका नाम टुंडे कबाबी पड़ा। खाने दो जगह के मशहूर हुआ करते थे, एक हैदराबाद दूसरे लखनऊ। लखनऊ के जो नवाब लोग थे वो बड़ा शौकीन थे खाने के, तो जब नवाब लोग बूढ़े होने लगे तो उन्होंने कहा अब हमसे तो गोश्त चबेगा नहीं, अब ऐसी क्या चीज़ है ईजाद हो जो कि हमारा पेट भी सही रहे, स्वास्थ्य भी सही रहे, हमें दांत मुंह ज़्यादा चलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये फार्मूला जो पहले खाने पकते थे तो सब हकीमों के हिसाब से ही डिसाइड होता था नवाबों के लिए कि क्या चीज़ कौन से मसाले डालें जो हमारा जो है सेहत सही रहे, हमारे जिस्म की ताकत सही रहे, नुकसान ना करें। तो जो इसमें मसाले पड़ते हैं वो यूनानी टिप हैं जो डाइजेशन को सही रखते हैं, साइड इफेक्ट नहीं होगा, और आप खाएंगे तो मक्खन की तरह पिघल जाएंगे। देखिए हमारी कोशिश यही रहती कि जो भी कस्टमर आए वो यहाँ से खुश हो के जाए, हमारे शहर का नाम हो, हमारे हिंदुस्तान का नाम हो, और उसके पैसे ज़्यादा भी ना खर्च हो, कम रेट में अच्छा खाना मिले। तो जो सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत हर जमाने में, सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत हर जमाने में, मुनाफा चाहिए इतना जितना हो नमक खाने में। अगर एक आदमी खाना खाने आएगा कबाब पराठे तो उसका 80-82 रुपए में पेट भर जाएगा। कोशिश यही रहती है कि अल्लाह से यही दुआ है कि जायका अल्लाह ताला बरकरार रखे, अपने देश का अपने मुल्क का नाम हो, समझे आप, अपने शहर का नाम हो, यही हमारी कोशिश रहती है।